आप यहाँ हमारे गुप्त ज्ञान सेक्स क्लिनिक में इंटर्नशिप करने आए हैं? जी। नाम? शुभो है बादशाह। अबे मेरा नाम नहीं, अपना नाम। आशीष दिल थाम के सरनेम लिखिए, CHANCHL। अबे नाम पूछा, एस से नहीं लिखना मेरे को, नाम बता अपना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ एज क्या आपकी? वैसे तो मार्केट में 10 बताते हैं, आप हमारे लिए लिख दो 18। मैं और दो जोड़ दो, एक काम करो 7 और जोड़ दो, एक कम कर दो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बस काफी। सेक्स देखा बहुत है भैया लेकिन किया एक भी बार नहीं है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ मेल या फीमेल? नहीं मेरे को फीमेल ही पसंद है भैया, फीमेल। मैं तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा जेंडर क्या है, मेल या फीमेल? क्या लगता है भैया आपको मेरी शक्ल देख के बताओ? अरे मेल ही हूँ ना, मेरी दाढ़ी देख के जज क्यों कर रहे हो? मैं आपसे पूछूं आपके जेंडर क्या, आपका जेंडर क्या, आपका जेंडर क्या, बुरा नहीं लगेगा आपको? सेंसिटिव क्वेश्चंस नहीं प्लीज। एक बात बताओ, आपको गुप्त ज्ञान के बारे में क्या जानकारी है? गुप्त ज्ञान जो है वो आशीष चंचलानी की सेकंड लास्ट वीडियो थी, उसपे 1.2 मिलियन लाइक्स है, 14 मिलियन के अराउंड कुछ व्यूज है, जबरदस्त वीडियो, आप जरूर देखना। वीडियो की नहीं असली गुप्त ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए शादी के बाद हम मर्दों को एक लंबा सफर एक अंधेरी गुफा में घुस के तय करना पड़ता है। ये सफर तय करते वक्त हमें अपना आत्मसमर्पण करते हुए एक ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है जिसका परिणाम हमें एक ऐसी चरम सुख सीमा तक पहुंचाता है, वो सीमा हमें एक ऐसा फल देता है जो हमारी तरह लगता है वो फल, हेंस इट इज कॉल्ड गुप्त ज्ञान। ये तुम्हें कैसे पता? मेरे डैड, मुझे पता है, आई मीन करता हूँ मैं। हाँ रात को जब मैं अकेले बैठता हूँ तो अकेले जिप खोल के अंदर हाथ डाल के पकड़ के बाहर निकाल के खोल के करता हूँ, बैग की जिप खोल के हाथ डाल के किताब निकाल के किताब खोल के पढ़ता हूँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर साइंस बायोलॉजी जो ओमिट करवा दिया गया था, क्या सिंधी आदमी हूँ ना, फीस पूरी भरी थी तो पढ़ाई एक भी क्यों छोड़ू, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। हाँ बस ओमिट करवा देते हैं, रास्ते पे खोल के सुसु कर सकते हैं बट गुप्त ज्ञान के बारे में बात नहीं कर सकते। क्या बात है, इससे तो सबके घर पे 10-10 मामा चाचा भरे पड़े हैं। एक मिनट, मेरे 12वें मामा का कॉल है। हाँ हेलो मामा। हाँ आशीष बोल रहा हूँ, तीसरा वाला आशीष, अरे जो सक्सेसफुल है वो दूसरा वाला घर पे बैठा है। जी जी जी। तुम्हारे 12 मामा है? तेरी माँ के 12 भाई हैं, टोटल 13। ये तेरी माँ की बहनें भी हैं, तो घर में क्यों नहीं दिया तूने गुप्त ज्ञान, फौज बिठा रखी है घर में तूने? देखिए यही रीजन है कि मुझे ये गुप्त ज्ञान क्लिनिक ज्वाइन करना है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब मेरे घर पे 12 मामा, हर मामा के 3 बच्चे, मतलब 36 लोग एक साथ एक शादी पे घुसते, ऐसा लगता है साउथ इंडियन पिक्चर का सेट है, अटैक करने आ रहे। हाँ थेनोस चुटकी बजा के थक गया, मेरे घर वाले नहीं मरे, इतने घर वाले मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप के ना 3 फैमिली ग्रुप है हमारे, फ्लोर वाइज 3 फैमिली ग्रुप बनाया हम लोगों ने, बंटवारा होगा ना हाथ में ना फिजेट स्पिनर आएगा, थैंक यू, टिश्यू पेपर भी नहीं आएगा हाथ में। और आपको पता है हमारे घर पे बच्चे कितने स्कूल जाते हैं, उनका अलग डिवीजन है, डिवीजन सी, सी मतलब चंचलानी। लेकिन इससे तुम गुप्त रोग कैसे, आई मीन गुप्त ज्ञान की अवेयरनेस कैसे फैलाओगे तुम इससे? लो बात करो, हमारे सामने बादशाह बैठे, ये फैलाएंगे ना सर, मैं आपके लिए ना एक रैप लिख के आऊं, आप ये रैप के थ्रू गुप्त ज्ञान फैला सकते हो। मेरे लिए रैप सोनाक्षी, मेरे लिए रैप लिख के ला, बीट दो बीट दो बीट दो। हां स्टार्ट कर। आम का अचार, रेस्टोरेंट इन बार, घप्पा का पिंगार, बच्चे मेरे 4, क्योंकि भाई तेरा घोड़ा है उसके पास। निकल, निकालो उसको यहाँ से। अरे उठो, अरे सुन लो, निकलो यहाँ से। अरे रैप सुन लो ना, नहीं सुना जब इनकी दीदी जी सुनिए ना, रैप जबरदस्त है। आप लोग बेइज्जती करके निकाल रहे हो, इज्जत से निकाल रहे हो? बेइज्जती करके निकाल रहे हो वो ठीक है, इज्जत से निकाल रहे होते तो मैं जाता नहीं, जा रहा हूँ मैं। हाँ भाई एक जबरदस्त रैप का आइडिया एकदम, बिल्कुल भाई तेरा घोड़ा है मेरे पास, क्योंकि